हो गया ए और ये ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? थ्री ए बाय टू, ए ए बाय बाय टू, टू 3a/2। सॉरी हाँ सॉरी, 3 a by 2। ठीक है, और y2 कहाँ होगा? बाय टू भी थ्री ए फाइव ए बाय बाई टू टू पे, फाइव 3 a by 2 ए पे। बाय ओके ओके देखो ए बाय यहाँ टू, फाइव ए बाई टू देखो यहां से यहां तक क्या 2a, और इसका यस a का आधा हो गया a बाय टू, दो और हाफ फिर ढाई, ढाई यानी कि 5a/2। ठीक है, फिर यहाँ a3 लिखेंगे, a3 कितना हो जाएगा? ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 2a, और ये तो एरिया क्या हो गया? 2a square। कोई प्रॉब्लम? नो सर। x3 कितना होगा इसका? 2a 2a, वेरी गुड। 2a नहीं, यहां से यहां तक ये हो गया, ये 2a। हाँ 2a, वेरी गुड। समझ में आ रहा है मैं 2a कैसे होगा? यस सर। ठीक है, और y3 कितना हो जाएगा? 9a by 2, 9a/2, क्योंकि देखो यहां से यहां तक कितना होगा? 2a 3a 4a। ठीक है, यहां से मेजर करेंगे यस यहां सर। तक फिर 4a, a by 2, इधर हाफ है तो क्या हो जाएगा? 9a/2। 9a by 2। ठीक है, तो x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? a1x1 + a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 + a2 + a3। ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? a1x1 कितना हो गया? 5a² × a/2, तो 5a³/2 लिख दे। यस सर, यस सर, ये क्या लिख दे? 3a³/2 लिख दे। यस सर, फोर ये कितना हो गया? 4a³ लिख ए दे। ठीक क्यूब है, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 5 × 1 = 6 और 2 8a² 8a² तो x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? 5 + 30, नहीं 5 + 3 8। सर। एक्स कोऑर्डिनेट ए आ रहा है। देख लेते हैं, 5 + 3 8, और 8 ये यहां पर हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 2 नीचे भी मल्टीप्लाई करो, 8 और 8 क्या होगा? 16a/2 × 8। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? ए। ठीक है, अब आपको यस एक्स सर, कोऑर्डिनेट गुड मॉर्निंग पता चल सर। गया है, गुड गुड मॉर्निंग, एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया है तो वाई कोऑर्डिनेट भी पता कर लो सेम फॉर्मूले पर। सर हो सर कितना जाएगा कर? अब बस अभी सर, यही वाई बताया था, कोऑर्डिनेट ही तो दिक्कत आ रहा है सर, उसमें मैट्रिक्स वाई कर कोऑर्डिनेट में दीजिए दिक्कत आ सर। रहा है। चलो सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक आप घर से है, ले ना रहे हो? घर से ले रहा हूं। तो वाई सेंटर ऑफ मास देखो, ठीक है, लिखते जाओ। ये कितना होगा? 5a² और 5a/2 कितना हो गया? 25a³/2 हो सॉरी, गया, यस सर, 25a/2 हम लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर तो कैंसिल आउट कर देंगे। यस सर, ये कितना हो गया? 5a³/2 a² और 5a/2, तो क्या हो गया? 5a/2 5 by 2 लिखते, ए स्क्वायर को बाहर रखें, और ये कितना हो गया? 9 और 2 18a/2। ठीक है, और नीचे टोटल कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर को कैंसिल कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? ठीक नो सर। है, तो कितना हो गया वाई सेंटर ऑफ मास? 25 + 5 = 13, और 18 कितना हो गया? 25 + 5 = 30 और 18 कितना हो गया? 48, 48 48a/2 × 8। ठीक है, 8 6 जा 2 3 जा, तो वाई सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? 3a हो जाएगा, यानी ये कहां पर होगा? इस लाइन में जा करके ये 2a और ये 3a, इस पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ मास इसका होगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर, ठीक नो सर। है, चलो अब देखो मजे की बात, मजे की बात ये है कि अब देखो, अगर बाय द वे हम अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर देते, अगर यहां से ना लेकर के अगर हम इस लाइन से कोऑर्डिनेट लिए रहते, तो क्या होगा? तब भी सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहता।
हाँ उसका कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ से ले लेते, अगर इस लाइन से हम कर देते, अगर इसे हम एक्स डैश और ये वाई डैश मान लो और यहाँ से फाइंड करो, तभी सेंटर ऑफ मास क्या यहीं पर रहता। लेकिन ये जो ए आ रहा है ना वो कितना आता, जीरो आता और हाइट सेम रहता, थ्री ये होता। समझ में आ रहा है? यस सर। रेफरेंस फ्रेम का कोऑर्डिनेट देखो, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से चेंज कर सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कभी भी चेंज नहीं करेगा। यस सर। समझ में आई इस बात को? यस सर। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कल जहां से छोड़े थे उसके आगे बढ़ते हैं। सर बस अभी यही कराया है ये कल वाला क्वेश्चन जो अब बस है। हाँ यही कराया। हेमंत तुम्हारे कुछ डाउट थे, तुम इनबॉक्स किया था कुछ डाउट, लेकिन फिर तुम इंस्टीट्यूट में पूछा नहीं। सर बस एक डाउट था सर पेंडुलम वाले में। तो हो गया था सॉल्व? नहीं सर बचा हुआ है सर, चलो थ्योरी में था डाउट सर। क्या आज पूछ लूंगा? पूछ लेना ठीक है। चलो देखिए जो भी डाउट है ना तो उसको जमा मत किया कीजिए। अंजित आपके लिए भी बोल रहे हैं ठीक है, यहाँ पर तीनों है, yes, तीनों का दिमाग सही है ठीक है। आप लोग जितने जो भी है तीनों तीनों का दिमाग सही है, और अगर ढंग से टाइम का यूटिलाइज कर लोगे तो लाइफ जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, समझे। अगर टाइम का यूटिलाइज नहीं किए तो फिर स्ट्रगल आती है, इस चीज को आप लोग देख चुके हैं, छोटे बच्चे हैं नहीं। yes, तो आप लोग अपनी जिम्मेवारी खुद लीजिए और इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए अपने आप को ठीक है। बस टाइम को यूटिलाइज करते जाइए, तीनों के पास दिमाग सही है, और अगर कंसिस्टेंसी मेहनत करते गए तो तीनों क्वालिफाई हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी मेहनत उसमें लगा हुआ है ठीक है, कंसिस्टेंसी मेहनत करते गए तो तीनों क्वालिफाई हैं ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व किया कीजिए, जो डाउट आउट होता है उसको आपका टारगेट होना चाहिए, पूछ ले पहले, मोमेंट से रिलेटेड रहेगा। तो पहले हम देखते हैं ठीक है, पहले साथ ही साथ चलो क्वेश्चन लिखना शुरू करो, मैं भी लिख रहा हूं आप लोग भी लिखना शुरू करो ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है फिगर सोज या यूनिफॉर्म डिस्क यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। सर कॉपी का स्क्रीनशॉट ही दिखा दीजिए, इसमें टाइम वेस्ट ही हो। कॉपी का स्क्रीनशॉट चलो अनबैलेंस हो जा रही है चीजें। सर कलम के सर से तो संभला ही नहीं। क्या अनके सर से संभाल ही नहीं रहा था अभी, ऐसे थोड़ी होना है। वो ये फैसिलिटी सिर्फ मेरे लिए अवेलेबल है क्योंकि इसका इजाद हमने किया था। प्रो कर सकते हैं बस ये काम। इसका इजाद हमने किया था, ये जो ये देखो स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन जो है वो ब्लैक वाला है ठीक है। ले लिया सर ठीक है, और अभी थोड़ा बहुत मिस्टेक इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पेपर को बाहर नहीं निकाला हूँ, कॉपी में ही रहने दिया हूँ, और ये उसका लास्ट में ये को है। सर ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। हाँ हो गया। यस सर। यस सर। चलिए देखिए अब यहाँ पर जो है बात ये है कि आपको दे दिया है, ये रहा एक डिस्क, पूरे क्वेश्चन में ही बोले एक डिस्क दिया है जिसका रेडियस क्या है आर है ठीक है, और बोला कि डिस्क जो है यहाँ से इसका इसका सेंटर मान लो ये सी वन है, बोलते यहाँ से एक और डिस्क हमने कट कर लिया ठीक है,
कट कर लिया। इस डिस्क का टोटल मास जो था वो जितना भी एम होगा हम मान लेंगे, यहां से हमने कट कर लिया, जो कट के इसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब बचा रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास, हम बोले भाई सही है ठीक है, और ये डिस्क है वो आपको पता है ठीक। तो जब हम फॉर्मूला लिखने के लिए आए तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a1 x1 - a2 x2 / a1 - a2। तो a1 हमें किसको लेना है, कंप्लीट वाले को, क्योंकि कंप्लीट वाले में से हम हटा रहे हैं। तो यहां पर जो a1 लिखेंगे, कंप्लीट का एरिया क्या हो जाएगा, जो कंप्लीट है उसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ठीक है। और अब हमें सबसे पहले एक्सिस देखते हैं, सबसे पहले एक्सिस लेना है, तो हम कोशिश करेंगे ये वाला जो है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये तो क्लियर होगा कि जो भी सेंटर ऑफ मास होगा हमारा इसी लाइन पर होगा। तो हमने इसे मान लिया एक्स, इसलिए मान लिया कि भाई एक्स तो अब हमारा एक क्या हो गया, जीरो, सिर्फ वाई, सॉरी एक्स एक्सिस पर है तो वाई हमारा जीरो होगा, सिर्फ एक्स ही हमें फाइंड करना पड़ेगा। और ये रहा इधर वाई है ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर होने की वजह से वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो। अब सिर्फ हमें एक्स सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो उसके लिए देखो ए वन हो गया पाई आर स्क्वायर, उसमें से ए वन, और ये कंप्लीट कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहां पर होगा, तब एक्स वन को हम क्या लिख दिए, जीरो। ए टू कितना होगा, इसका ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहां से यहां तक आर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर बाय टू, आर बाय टू ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय फोर, कोई प्रॉब्लम, फोर ठीक है, नो सर। और यहाँ पर जो है x2 कितना हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r by 2। तो x2 कितना लिख देंगे, r by 2, r by 2 कॉमन, नो सर ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है x सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखेंगे, a1 x1 सर, अगर हम सर c पे ओरिजिन नहीं माने तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ना, नहीं तो हाँ, अगर नहीं सी पर ओरिजिन नहीं माने तो जहां पर भी मानिएगा तो वहां का कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए, उतनी दूरी पर माने तो उसके हिसाब से आएगा क्वेश्चन सॉल्व, हर हाल में होगा, जहां भी आप लेना है वहां लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके सर ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है, ए वन कितना हो गया, ए वन एक्स वन तो जीरो हो जाएगा, यस सर। और ए टू एक्स टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय फोर इंटू आर बाय टू, और ए वन माइनस ए टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय फोर, कोई प्रॉब्लम, नो सर। एक्स सेंटर ऑफ मास लिखेंगे क्या हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन फोर इंटू टू एट हो गया, इंटू ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री पाई आर स्क्वायर बाय फोर, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां पर होगा, एक्चुअल रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास इधर होगा कहीं यहाँ पर, इसकी जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, आर बाय सिक्स, क्योंकि ये किसमें आया है, माइनस में, कोई प्रॉब्लम, नो सर, नो सर। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यस सर ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर साथ साथ नोट कर लें, चलो नोट करो।
हो गया तो बस एक तो बस होने वाला है हो गया सर ठीक है। देखिए अब देखिए ये जो A1 X1 वाला वो 2D के लिए तो सही है लेकिन जब हम 3D के लिए जाते हैं तो उतना बेटर नहीं हो पाता, हर जगह पर हर शेप से हमें आसानी से फॉर्मूले नहीं मिल पाते हैं, इसलिए मास मोमेंट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं उसको समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। रिवीजन अगर किए होंगे आप लोग तो आसानी से समझ में आ जाएगा मास मोमेंट का, और नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल आएगा, तो उसको समझिए। सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं उसी कॉन्सेप्ट को कि मास मोमेंट के हेल्प से सेंटर ऑफ माइनस आर अपॉन 6.0 हाँ माइनस आर बाय 6.0 तो इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए मास मोमेंट का कॉन्सेप्ट को एक बार हम रिपीट करते हैं। मास मोमेंट के हेल्प से हम कैसे निकालते थे सेंटर ऑफ मास, तो उस समय हमने लिखा था इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट सर पहले मास मोमेंट की हेडिंग डाले ना। मास मोमेंट तो बता चुका हूं आप लोगों को, 3D के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए है ना, यहाँ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, मतलब सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का हमें मास मोमेंट के कॉन्सेप्ट से भी आप लोगों को बताया था ना। यस सर। तो उसी का ये है। तो देखिए मास मोमेंट कॉन्सेप्ट एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ एक बार और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ठीक है। इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज ए पॉइंट अबाउट विच मास मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो ठीक है। मास मोमेंट जो रहेगा वो क्या होगा, जीरो, समझे। तो इसके बारे में देखना है ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रखने वाली बात है। अब जो हमारा डिस्क था उस डिस्क को हम ऐसे बना सकते हैं, ये देखो ऐसे करके लिख सकते हैं, ये रिमूव्ड पार्ट है, ये रिमूव्ड है यानी ये होलो यहाँ खाली है, और इसके साथ में यही वाला डिस्क को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा ये कंप्लीट बन जाता है। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। मान लो इतना टोटल का मास हम मान लेते हैं M1, इसका मास मान लेते हैं M2, तो ये वाला टोटल मास क्या हो जाएगा, M1 + M2 ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम है बताइए, यहां तक समझ में आया नहीं? एक एक लाइन को समझते हुए चलना है। यस सर। ठीक है, अब हमें यह बोला गया इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है ठीक है। तो इन दोनों ये दो चीजों से मिल करके बना हुआ है, तो ये जो है देखो इससे और इससे मिल करके बना हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि इस कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ, यहां पर, ये ओरिजिन ले लेते हैं, ये कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास यहां पर है
फिर खाली वाले का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ यहाँ पर होगा, सी डैस खाली वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, मान लो ये सी वन, इसका और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सी टू। तो मान लो कि x डिस्टेंस पीछे है और ये क्या है, ये कुछ यहाँ पर है सी टू, कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। ठीक है, तो अब देखो ये हम लिख सकते हैं m1 मास मोमेंट क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस, तो m1 इनटू इस डायरेक्शन में डिस्टेंस जा रहा है, इसको माइनस x लिख दें, यस सर, प्लस इसका छोटे वाले का मास मोमेंट कितना हो जाएगा, m2 इनटू यहां से यहां तक की दूरी कितनी रहेगी, x by 2, r by 2, पूरा का पूरा r है ना, यस सर, ये क्या है r by 2 इज इक्वल टू जीरो होगा, इसमें कोई डाउट है सर? फिर से बता दीजिए, फिर से बता दीजिए, कोई नहीं फिर से बताता हूं, इतना टेंशन की बात नहीं। देखो ये समझो, देखो ये जो है दो चीजों से मिल करके बना हुआ, एक ये वाला पार्ट है और दूसरा ये वाला पार्ट है, ये यहां पर खाली है, देखो ये जो मेरा कंप्लीट डिस्क है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, ये होलो वाला डिस्क से और ये छोटे वाले डिस्क, ये दोनों मिलकर के बने हैं, तो इन दोनों अब हम बोल सकते हैं कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, क्योंकि बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास तो हमें पता है कि बीच में है, यस सर, हम बोल सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसके अबाउट इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्सिया का जो एडिशन होगा, सॉरी मास मोमेंट का जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, यस सर। ठीक है, तो इस छोटे वाले इधर जो होलो डिस्क वाला है उसका मास हमने m1 माना है, ओके सर, तो और इधर x देखो हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस x ले लिए, यस सर, और इसका मास हमने m2 माना है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पर होगा, सबको पता है ये r रेडियस का r by 2 r by 2 डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ये इक्वेशन समझ में आ गया, यस सर, ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2D में हम मास को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एरिया से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यस यस सर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं m1 plus m2 is equal to capital M is equal to क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये m2 है, m2 को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई फोर, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, yes, r by 2 है, r by 2, तो इसको हम लिख दें m by 4, ठीक है, yes, sir, पाई आर स्क्वायर को m बोले तो m by 4 लिख दिए, yes, sir, तो m1 कितना हो जाएगा, m1 is equal to क्या हो जाएगा, m minus m2, total m minus m2, m1 is equal to m, तो m1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m minus m by 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3m by 4, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, no sir, ठीक है, यहाँ पर लिख दो, m1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3m by 4 into minus x plus m2 कितना हो जाएगा, m2 is equal to m1 लिख दिए और यहां पर क्या लिखेंगे, m by 4 into r by 2 is equal to 0, कोई प्रॉब्लम? नो सर, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं 3m by 4 into x is equal to mr by 8. Yes, sir. ठीक है, m से m cancel हो गया. 4 to 8, 3 इधर आ जाएगा. x is equal to क्या आ गया? r by 6. Yes, sir. Yes, sir. दो लाइन में आ गया आंसर इधर. Yes, sir. समझे? अभी देखो ये फॉर्मूला आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा अजीब टिपिकल सा लग रहा होगा आपको, ठीक है, ये
ये जो है थोड़ा टिपिकल सा लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है अभी और जब क्वेश्चन कराएंगे तो इजिएस्ट मेथड के तौर पर आपके सामने आएगा। यहां पर लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ मास मोमेंट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मास मोमेंट, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मास मोमेंट। चलो इसको नोट डाउन कीजिए। नोट कर लें। सर जो हमने पहले वाला किया था उसमें एक्स की वैल्यू माइनस की आर बाय सिक्स आई थी, तो हमें पता चल गया था कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस के। हाँ, इसमें हमें लेकिन कैसे पता यहाँ पर चलेगा? देखो, यहाँ पर हमने पहले ही इधर एक्स मान लिया है ना। सर हमें कैसे पता चला कि इधर ही एक्स होगा? देखो इसलिए पता चला कि देखो एक तो हम कहीं भी मान सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, वो अगर कहीं हम पॉजिटिव मानते तो अपने आप नेगेटिव आता, लेकिन हमें ये पता है, ये देखो ये डिस्क है अभी, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। यस सर। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको काट देंगे तब इसका अपने आप हमें पता चल जाएगा, सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट कर जाएगा। यस सर। तो फिर हम कहेंगे इधर एक्स मान लिए, इसका एक्स माने हैं और ये जो कटा हुआ पार्ट है उसका यहाँ से कितना माने है, जो भी रहेगा आर टू आर बाई टू या एक्स टू जो भी रहेगा उसको मान लेंगे और लिख करके इक्वेट कर देंगे जीरो से। सर बट ये तभी तो यूज होगा जब सबसे कटा हुआ पीस सेंटर से टच है। हाँ सेंटर से टच है ये, अभी इस क्वेश्चन में सेंटर से टच है, हो सकता है कल तो आपके पास क्वेश्चन आए उसमें टच ना हो तो उस कंडीशन में आपको रेडियस गिवन रहेगा। सर फिर ये वाला यूज नहीं होगा ना फॉर्मूला? नहीं, यही ये फॉर्मूला बहुत आसानी से यूज होगा, अभी बताता हूँ कैसे। सर हमने अगर सबसे पहले वाले पॉइंट पे ओरिजिन मान ले तो वैल्यू माइनस की आर बाय सिक्स आएगी। ओके सर तो इसके ऊपर ठीक है। हो गया, नोट कर लिए? नो सर।
सर रिज्वाइन कर ले, कर लो नोट करने के बाद रिज्वाइन कर लेंगे। सर वीडियो ऑफ हो गया। एक मिनट इससे पीछे वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। ठीक है यस। देखो अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करवाता हूं मैं, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ, ये एक स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। सर मीटिंग एंड कर दीजिए, दोबारा रिज्वाइन कर रहे हैं। चलो ठीक है। ठीक है सेंटर। अब हमने क्या किया, इस पार्ट को हमने कट करके निकाल लिए, ये सर्कुलर पार्ट को, ये सेंटर ऑफ, इस सर्कुलर पार्ट को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। तब हमें इस रिमेनिंग पार्ट का फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट का आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है तो ये जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास m1 मान लीजिए, और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो m2 हो गया। मान लो रिमेन, अब देखो ये कंप्लीट जो हमारा प्लेट बना हुआ है, डिस्क जो है वो दो पार्ट से बना हुआ है, एक इससे और एक इसके, इससे। तो मान लो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर हो जाएगा x, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होगा, ठीक है। अब इसका कितना सेंटर ऑफ मास होगा भी बताता हूं। इसका सेंटर ऑफ मास इसको मान लो y, ठीक है। बात यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। और ये कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास ये है, पूरा कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये है, इस रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहां से x है और यहां से y। तो हम लिख सकते हैं m1 into minus x प्लस एम टू इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मास मोमेंट। यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी जा रही है, अभी जा रही है सर। अगर हम स्क्वायर के किसी वर्टेक्स को ओरिजिन मान लेते तो उससे आ जाते कोऑर्डिनेट। नहीं, ओरिजिन हम नहीं मान रहे यहाँ पर, यहाँ पर ओरिजिन तो मानना है नहीं। इस स्क्वायर का सेंटर यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। यस सर। और ये स्क्वायर दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, ये वाला डिस्क और एक ये वाला डिस्क। यस सर। तो हमें फाइंड कर लेना है रिमेनिंग पार्ट का, इसका एक्स हमें फाइंड करना है। यस सर। और हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसमें जितने भी मासेस रहेंगे उन सबका मास मोमेंट क्या होगा, जीरो। सर पर हम सेंटर ऑफ मास वो कोऑर्डिनेट्स मानते हो एक्स बाय कोऑर्डिनेट्स मानते हैं।
कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं, कोऑर्डिनेट का तो यहाँ पूरा सिस्टम ही खत्म है, कोऑर्डिनेट एकदम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ मास किए है, पूरा कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास का कहाँ पर है, पूरा कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। यस सर। तो हमें बोला गया है कि ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो हमारा बना हुआ है वो उसका उसमें जितने भी मासेस हैं सबका मास मोमेंट इसके अबाउट क्या होगा, जीरो होगा। यस सर। तो अब हम चले इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट लिखना। तो हमारे पास क्या एक पार्ट ये है ये वाला और एक पार्ट ये रिमूव वाला है, तो इसके अबाउट ये और ये डिस्क यही सब दोनों से मिल करके बना हुआ है। यस सर। तो इसका हमने m1 मास मान लिया, m1 into x plus m2 into y is equal to 0, x से माइनस में ले लिए क्योंकि ये इधर है, अगर नहीं लेंगे तो अब मेरा आंसर अपने आप माइनस में आएगा। यस सर। यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इस डिस्क का रेडियस कितना हो गया, a बाई टू हो गया। यस सर। यस सर। आप लोगों को ये बताया गया है कि जब डिस्क रहता है तो ध्यान में रखे, अभी मैं बताऊंगा कि उसका बेस से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी रहती है ना, जैसे कि सपोज दैट ये क्या है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है और इसका रेडियस अगर r है तो बेस से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी होती है ना वो होता है y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 4r अपॉन 3 पाई। ठीक है। सर पर y सेंटर ऑफ मास तो जीरो होगा। तो रुक तो जाओ यहां से, अरे इधर ये यहां से यहां तक की दूरी अगर ये x मानो और इधर y मानो तो यहाँ सेंटर से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी जो होती है वो होती 4r अपॉन 3 पाई। ठीक है, ये समझ में आया, ये तुम्हारा याद रखने का है, मैं आगे बताऊंगा पूरा डिटेल में। ठीक है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो फिर यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस 4r अपॉन 3 पाई। यस सर। यस सर। हम यहां पर y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जैसे यहां से यहां तक की दूरी 4r अपॉन 3 पाई, तो y की वैल्यू क्या होगी, r माइनस 4r बाई 3 पाई लिख दें। यस सर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। 4R। सर 4R होगा। पाई की जगह सर। 4R अपॉन 3 पाई। ठीक है। अब R की जगह पर हम लिख देंगे, R की जगह क्या लिख देंगे, a बाई टू। यस। कोई प्रॉब्लम यहां पर लिख देंगे a बाई टू इंटू 1 माइनस 4 अपॉन 3 पाई। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखेंगे हम, पहले देख लेते हैं टोटल का मास कितना है, टोटल का मास कितना हो जाएगा, एरिया से दे देंगे ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है, एम टू का मास कितना हो जाएगा, इसका इस हाफ एरिया हाफ डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय टू होता है। Yes, sir. Pi a square by 4 हो जाएगा। Pi r square by 2, भाई pi a square by 8 होगा। 8 हो जाएगा, sir. ठीक है, ठीक है। तो a square yes, को हम capital M माने हुए हैं, तो ये pi m by 8 हो जाएगा। Yes, sir. तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m minus m2 हो जाएगी। यस सर। हेमंत गौरव। यस सर। यही हुआ। यस सर। ठीक है,
तो यहां से हम लिख सकते हैं m को कॉमन लेकर के लिख सकते हैं 1 माइनस पाई बाय 8। यस सर। ठीक है, देखो m1 भी निकल गया है, m2 भी निकल गया है। m1 यहां पुट करेंगे, m2 हमारा आ चुका है, y यहां से आ चुका है, x निकल जाएगा। यस सर निकल जाएगा। यस निकल जाएगा ना। यस सर। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताता हूँ। सर ये बता दीजिए 48 डिवाइडेड बाय 3 पाई कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, 48 कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये सेंटर से लेकर के इस डिस्क का, जैसे इस डिस्क का कोई होगा, कोई सेंटर यहां पर होगा, ये हाफ, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है। यस सर। ठीक है, तो वहां से लेकर के सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास है ये। ये अभी मैं बताऊंगा, इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सर पहले क्या क्या नोट करना है, सिक्वेंस बता दीजिए। सर ये ऊपर वाले डायग्राम में जो y डिस्टेंस दिखा रहे हैं, ये 4r/3π दिखाएगा। हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4r/3π है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4r/3π है। ओके सर। ठीक है, पहले ये इसके बाद ये नोट डाउन करना है बाय प्रॉपर्टी ऑफ मास मोमेंट लिख करके, फिर इसको नोट डाउन करना है, फिर ये। है थोड़ा, देखिए अगर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, अगर एक बार ये दिमाग में बैठ गया तो आपको सेंटर ऑफ मास आप यूं निकाल ले जाओगे, कितना टिपिकल से टिपिकल स्ट्रक्चर भी रहे। हो गया सर। और दोनों को नोट करने के लिए सर ये r-4r/3π वाला फिर से बता दीजिए। बता दूंगा मैं, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सर हाँ अब बोलिए। सर ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क हमने नीचे बनाई है उसमें सर वाई एक्सिस है, उसकी जगह अगर एक्स एक्सिस होती तो ये वाई वाई कोऑर्डिनेट निकलता है ना 4r/3π। थोड़ा देखो ये हाइट ले लो ना, ये ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए वाई सी एम मान लिए हम इसको कोऑर्डिनेट की। कोई यहां से लेकर के बेस से लेकर के सेमी सर्कुलर डिस्क के सेंटर से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी होती है वो 4r/3π होती है। यस सर। इतना टिपिकल अपने आपको क्यों उलझा दे रहे हो, सिंपल सा है कि सेंटर से लेकर के सेंटर ऑफ मास तक की जो दूरी होती है
वो क्या होता है, सेमी सर्कुलर डिस्क में 4r/3π होता है, ठीक है? ओके सर, यहां तक हो गया। अब यहां पर रख करके सॉल्व कर लीजिए, m1 की वैल्यू यहां पर रखिए, m2 की वैल्यू यहां पर रखिए, यहां y की वैल्यू रख दीजिए और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सॉल्व कीजिए एक बार। सर माइक आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नहीं नहीं मैं कुछ बोल लेना, मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्व कीजिए एक बार, m1 की वैल्यू यहाँ रखिए, m2 की वैल्यू यहाँ रखिए, यहाँ पर y की वैल्यू रखिए और सॉल्व कर लीजिए। यस सर, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ये। yes, बस होने वाला है, होने वाला है। चलिए तो बाकी कल पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा और बताऊंगा। हो गया यहाँ तक सर? जो बहुत पाई में बन रहा है। हाँ थोड़ा सा मतलब पाई वाई बीच में रहेगा। सर हो तो गया। गारो, अंकित, अंचित, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? यस सर कर रहे हैं। सर मैंने व्हाट्सएप कर दिया, सर चेक कर लीजिए सही आ रहा है क्या नहीं। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, इसमें कॉम्प्लिकेशन की क्या बात है? देखिए इधर रुकिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। सर मेरा गलत आ रहा है? नहीं 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 गलत की बात नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। देखो इधर, अब गलत अब बचा कहाँ, इसमें फिजिक्स थोड़ी होना है, मैथ्स ही है। क्या था देखिए, m1 इंटू एक्स था, m1 इंटू माइनस एक्स प्लस m2 इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो m1 क्या है हमारा, m इंटू 1 माइनस पाई बाय 8, इसको लिख सकते हैं m इंटू 1 माइनस पाई बाय 8, इसको उधर ले जाएंगे इंटू 4 माइनस पाई, और m2 को क्या लिख देंगे हम, m2 हमारा कितना है, पाई m बाय 8, एक मिनट रुक जाइए, पाई m बाय 8, और y कितना है, a by 2 into 1 minus 4/3π। तो m से m कैंसिल हो गया, ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस पाई बाय 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन 8 इंटू 2 इंटू 3 पाई इंटू 3 पाई माइनस 4, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है, लो क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू कितना हुआ, a इंटू 3 पाई माइनस 4 अपॉन, ये 3 पाई बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 पाई हो गया, इंटू 8 माइनस पाई, कितना आ गया आंसर सर? वो पाई तो रहेगा इधर वाला, तो हाँ पाई रहेगा, कैंसिल नहीं हुआ तो उससे क्या प्रॉब्लम है, समझे? पाई से तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, पाई तो वो जो पाई, वो जो हमने एम के आगे वो भी तो पाई लिखा है, वो वाला कैंसिल नहीं हुआ। अच्छा ये वाला, अच्छा यहाँ पर पाई है ना एक, चलो कोई बात नहीं, तो पाई पाई से पाई कैंसिल कर दो, यहाँ खत्म कर दिया, ये बाय 6 आ गया। यस सर यही आ रहा है, बस तो फिर सही है, आंसर सही है। इसमें क्या, देखो एक काम कीजिएगा, सेंटर ऑफ मास का मास मोमेंट से लेकर के पूरा रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज के क्लास में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अच्छा खासा टॉपिक है ये। यस सर, समझे? टेंशन मत लीजिए, इसको और इजी बना देंगे, इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, इसको और इजी बना देंगे, एकदम स्मूथ बना देंगे। कल जो है, कल इससे आगे चलते हैं, ठीक है? अब रिमेनिंग क्लास कल को कि नया ये से, अब सारे जितने भी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, कल टाइम पर आप लोग रहिएगा, जितना भी टाइम रहेगा, जितने भी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है सबका सेंटर ऑफ मास कल कैलकुलेट करते हैं। जैसे आज हमने बोला ना ये 4r/3π, तो ये हम देखेंगे कल, ये आखिर 4r/3π आता कैसे है, कहाँ से आया है, ठीक है? फिर देखते हैं इस, इन सारे स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं, फिर से इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन उस समय तक करते रहेंगे जब तक कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का पूरा फ्लुएंट नहीं हो जाएगा, इसमें एक एक्सपर्टाइजेशन नहीं आ जाएगा आप लोगों तक, आप लोगों में, ठीक है? यस सर, यस सर, आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।